लॉकडाउन के 16वें स्तर में दिन आज हम हैं हांसी की अनाज मंडी में, जहां पर जो आर्थिक हैं वो पूर्णतया मतलब हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि वो ना तो मंडी में किसी का भी सामान मतलब जो अनाज का है वो उतरने देंगे, और ना ही मंडी से किसी भी प्रकार की खरीदारी वो करेंगे, क्योंकि वो सरकार के नियमों से काफ़ी यहाँ पर रुष्ट नज़र आ रहे हैं। आप देखिए अभी ये जो खड़े हैं हम अनाज मंडी में, बिल्कुल खाली है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आपको अनाज नहीं मिलेगा। ये दुकानें देखिए जो है अपने प्रतिष्ठान जो है इनके आड़त की जो दुकानें गए वो सारी की सारी बंद कर दी गई है, क्योंकि ये लोग जितने भी आर्थिक है सभी मतलब सरकार से नाराज गए। इनका कहना है कि सरकार की जो गलत नीतियाँ गए वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। तो जानते गए इसी मामले में हमारे साथ हैं जो अनाज मंडी मतलब इसके के प्रधान है श्री राम अवतार जी, उनसे जानेंगे। सर मतलब क्या पूरा मामला, क्यों आपने मतलब अपने जो प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं, किस लिए हड़ताल पर बैठे हैं सर? सरकार की पल पल बदलती पॉलिसी के तहत हमने जो है पूर्णतः जो है बंद का फैसला किया है, और इसमें हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। ना हम धारा 144 तोड़ेंगे, ना हम धरने पर बैठेंगे, लेकिन हम किसान का कोई भी माल नहीं उतरवाएंगे। कि सरकार पहले वाली नीतियों पे काम मतलब जो काम करवाएगी तो हम करेंगे, अन्यथा हम खरीद का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। सर किस प्रकार की मतलब जो पहले जो चलता था वो किस प्रकार से था, जो खरीदारी पहले होती थी वो क्या, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, दर्शक आपको देख रहे हैं। सर पहले जो है सरकार हमारे माध्यम से खरीद करती थी और पैसा भी हमको देती थी, और फिर हम जो है कैश या चेक या RTGS के माध्यम से किसान को दे देते थे। अब सरकार कह रही है हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे या आपको पेमेंट करेंगे, तो आपको 24 घंटे में ये क्लियरेंस देनी होगी भाई आपने आड़ती को पूरी पेमेंट जमींदार को दे दी है। उसमें ना तो कोई एडवांस काटने की प्रोविज़न है ना कोई और है। और सरसों की खरीद में भी एक 11 आदमियों की थोड़ा सोसाइटी बना लो और उस सोसाइटी के माध्यम से खरीद होगी। हम सोसाइटी क्यों बनाए? हम जो है मार्केट कमेटी के लाइसेंस शुदा आदमी हैं, हमने GST नंबर ले रखा है, सेल टैक्स नंबर ले रखा है, तो सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत हुई? और हमारी मांग है कि सरसों पे भी हमें 2.5% की ही आड़त मिलनी चाहिए और प्रत्येक आड़ती ही उसकी खरीद करे। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जो सरकार का वो किसानों को और जो आर्थिक है कहीं ना कहीं उनके बीच में दूरी लाने का काम कर रही है इस बात। ये सरकार जो है आड़ती और किसान का जो सदियों से हरियाणा में रिश्ता चला आ रहा है भाईचारे का, उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, ये सरासर गलत है। तो कब तक मतलब आपका ये मतलब जो बंद रहेगा आपका हड़ताल, कितने देर तक रहेगी सर? जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती या कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक हम हड़ताल हो रहे हैं, तब तक रहेंगे। तो इसके बारे में आपने मतलब सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई लिखित में या फिर किसी प्रकार के मतलब उनको अवगत कराया इस बारे में सर? आज अभी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है, और अब हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को आप लोगों के माध्यम से अभी हम सेक्रेटरी साहब को इन बातों से अवगत करा देंगे, और बाकी आगे जैसा होगा समय समय पर बात करते रहेंगे। तो क्या मतलब ये जो हड़ताल पे आरती बैठे, क्या हांसी का ही व्यापारी है या फिर ऑल हरियाणा का? मतलब मेरे तो सुनने में आया पूरा हरियाणा का आड़ती हड़ताल पर है, लेकिन हिसार जिले की लगभग मंडिया हड़ताल पर है, जींद पूरा डिस्ट्रिक्ट हड़ताल पर है, भिवानी पूरा डिस्ट्रिक्ट हड़ताल पर है, दादरी पूरा हड़ताल पर है, सरसा पूरा हड़ताल पर है, और जो है पलवल पूरा हड़ताल पर है। जो मेरे पास अभी इतनी तो पक्की इन्फॉर्मेशन है, और पंचकूला भी पूर्ण तरह हड़ताल पर है। बाकी जैसा होगा आज स्टेट पदाधिकारियों की 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग भी है, ऊपर भी पता लग जाएगा क्या होगा, लेकिन हम पूर्णतः हड़ताल पर है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। ना तो हम धारा 144 तोड़ेंगे और ना ही हम जो है कोई धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मतलब अपने घर में रह के अपने मतलब इस तरीके से मतलब ये मतलब रोज प्रकट कर रहे हैं? हाँ, हम अपने अपने फार्मरों को कह देंगे भाई हम जो है काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी फसल मंडी में मत लेकर आए, मंडी में मत लेकर आए। तो ये थी राम अवतार ताल जी, जिन्होंने कहा कि मतलब ये हड़ताल पर तो रहेंगे लेकिन किसी भी प्रकार का
धरना मंडी में नहीं देंगे। इसके साथ ही जो धारा 144 है, धारा 188 है, उनका भी ये उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार से नाराज है, सरकार की नीतियों से नाराज है। लेकिन जो कोरोना का कहर है उसके वो, इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो यहाँ करेंगे। और अपने जो इनके जो किसान है, जो इनसे मिलने वाले हैं, उनको भी ये समझा देंगे कि वो अभी मंडी में ना आए। ए एंटी नेशनल के लिए अनुराग सिंह।